उत्तराखंड पिरान कलियर से डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर इमलीखेड़ा पीएससी समेत अन्य पीएससी पर मंगलवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन और तेज कर दिया था। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष फार्मासिस्ट ब्रजेश कुमार ने बताया कि जिले के सभी पंचायतों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने मान लिया है। दिनांक 4 मई को सचिवालय देहरादून में सचिव स्वास्थ्य, अपर सचिव, डीजी हेल्थ मैडम, प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री के नेतृत्व में सचिवालय में वार्ता हुई। उसमें अधिकतर मांगे मान ली गई हैं। पद नाम परिवर्तन, 63 पद फार्मासिस्ट के क्रियाशील सेवा नियमावली एवं IPHS मानक में डीजी मैडम को 1 सप्ताह में एसोसिएशन के साथ वार्ता करने के उपरांत संशोधन करने के आदेश दिए गए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूँ। आप लोग हमारी सूद लेने के लिए हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इमलीखेड़ा में आज आए हैं। आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। दिनांक 4 तारीख को हमारे डीजी मैडम और स्वास्थ्य सचिव, हमारे उप स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई। उसमें हमारे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री नोटियाल जी, महामंत्री, हमारे श्री RS एरी जी के प्रतिनिधित्व में बहुत अच्छी वार्ता हुई है। और उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जितनी भी मांगें हम शीघ्र पूरी करेंगे। और 63 पद जो हमारे मेन थे वो उन्होंने क्रियाशील कर दिए हैं। 4 धाम ड्यूटी, मेला ड्यूटी के लिए और IPHS मानक में DG मैडम को उन्होंने कहा है कि आप इसको तुरंत 1 सप्ताह के अंदर एसोसिएशन से मिल करके इनकी मीटिंग करके उनका समाधान आप करें और शासनादेश इसका जारी करें। तो इसलिए हमने ये अपनी अब मांग जो हमारी थी वो हमें लग रहा है कि सकारात्मक हमारी वो हुई है और अब ये हमने इसलिए ये अपना 2 घंटा कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया। अच्छा। सचिव साहब की अगुवाई में हमने सब किया है। अच्छा जी, धन्यवाद जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।